हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो देखिए, आज जो मैं आपको थ्री लीव्स वाली और तीन फंदों से स्टार्ट होने वाली पैरी लेके आई हूँ, और ये इससे रिलेटेड मैं एक और बात बताती हूँ। मैंने जो है पिछली वीडियोज़ में जो है हाई नेक्स वाटर लीव वाली जो मैंने जो है वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तरीका सेम वैसी रहता है, पहले बढ़ाते हैं फिर हम घटाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट न्यू वीडियो। देखिए, थ्री फंदे निकाल दिए हैं और राइट एंड लेफ्ट मैं निकालती जा रही हूँ इस तरह से। देखिए, मैंने जाली लगा दी है। आपने देखा ना, बेबी कितना छोटा है, बड़ा है, गर्ल्स के लिए, वीमेंस के लिए पत्तियाँ उतनी ही बड़ी बनेगी इस तरह से। अगेन, ये जालियाँ तो हमारी ऊपर तक ही टॉप तक बनती रहेगी इस तरह से। दिखा लेती हूँ मैं, जालियाँ मेरी जो यहाँ तक बनी है। अब जो मैंने इसके बाद जो अब लेस करते हुए जाना है। देखिए, लेस का तरीका इस तरह से बहुत अच्छी, मतलब अगर आपके पास मतलब बच्चे बच्चे धागे हैं, ये थ्री कलर में भी बड़ी प्यारी पत्तियाँ बनती है। तो देखिए, एक लीफ मेरी जो है बन के तैयार हो गई है। तो अगेन कह रही हूँ मैं आपको, मेरी बैक वाली वीडियोस को पक्का आप देख लीजिए। इस तरह से मैंने जो है क्या करना है, इस तरह से यहाँ वाले फंदे को मैंने ट्रांसफ़र करते हुए नेक्स्ट फंदे में जाना है इस तरह से, और फिर निट करना है इसी तरह से जो है मेरी मतलब राइट एंड लेफ्ट से। अब यहाँ से भी वैसी पत्ती बन के जुड़ेगी, तीन फंदों से स्टार्ट होगी। अब मैं लेस करते हुए जा रही हूँ ये पत्तियाँ साथ साथ में। इसी तरह जो है इधर वाली जो है मेरी, वो भी वैसे ही जुड़ती जाएगी। टू थ्री लीव्स बन गई है। अब मैंने क्या करना, राइट एंड लेफ्ट से फंदे उठाते हुए जाना है। बीच में मैंने थ्री फंदे इस तरह से, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी और वो लास्ट स्टेप रहेगा आपका इस तरह से। और फिर मैंने धागा लगा रही हूँ, फिर राइट एंड लेफ्ट से उठाते हुए आपने जाना है इस तरह से। धागा मैंने इस तरह से कर लिया और सुई के नीचे से धागा जाएगा, और फिर इस तरह से अगेन, फिर वैसे ही इस तरह से मैंने जो पूरे टॉप तक, यानी कि यहाँ तक राइट एंड लेफ्ट तक, यहाँ तक बढ़ते हुए जाना है, इस तरह से कंप्लीट करना है। ये थ्री लीव्स बन गए, ये ऊपर का भाग बन गया है। अब मैंने क्या करना है, राइट एंड लेफ्ट से, पीछे वाली वीडियोस देखिए, अभी जो मैंने दो वीडियोस मैंने अभी डाली हुई है पैरियों की, तो तरीका वैसे ही रहता है। इसमें मैंने यहाँ से इस तरह से हर बारी में एक फंदा जो मेरा बढ़ता जाएगा इस तरह से, इस तरह से यहाँ तक टॉप तक मैंने लाते जाना है। राइट से भी ऐसे करना है और लेफ्ट से भी ऐसे करना है। ये इस तरह से ग्राफ आएगा। यहाँ मैंने जो है 21 फंदे लगाए हुए थे। ये आज से 10 साल की बेबीज़ के लिए है। अगर आप इसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि बिग्स वीमेंस और गर्ल्स के लिए कितने फंदे रहेंगे। अब मैं जो लेस कर रही हूँ, इससे जो मेरा रेडी हो गया है। अब मैंने क्या करना है, इस तरह से ये लेफ्ट ने पकड़ के ये जो राइट का पकड़ना है, और इसमें हाफ हाफ फंदे, यानी हाफ इसका हाफ इसके फंदे मैंने उठाते हुए जाना है। राइट एंड लेफ्ट साइड से इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बता रही हूँ मैं आपको, इधर तक लास्ट तक आपने इस तरह से, देखिए ये इस तरह से, ये राइट वाला अंदर के लिए आएगा। मैं यहाँ से बुनते हुए चली हूँ, और मैंने ये बैक साइड है इस तरह से यहाँ तक चलते हुए जाना है। ये थ्री लीव्स बन गए, ये ऊपर का भाग बन गया है। अब मैंने क्या करना है, राइट एंड लेफ्ट से, पीछे वाली वीडियोस देखिए, अभी जो मैंने दो वीडियोस मैंने अभी डाली हुई है पैरियों की, तो तरीका वैसे ही रहता है। इसमें मैंने यहाँ से इस तरह से हर बारी में एक फंदा जो मेरा बढ़ता जाएगा इस तरह से, इस तरह से यहाँ तक टॉप तक मैंने लाते जाना है। राइट से भी ऐसे करना है और लेफ्ट से भी ऐसे ही करना है। जो है मैंने क्रोशिया कर लिया है पैरियों में। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।